बुधवार को जारी दिशा निर्देशों में एक सेट में विश्वविद्यालय अनुदान आएगा। यूजीसी ने सिफारिश की है कि कॉलेज सत्र वर्तमान छात्रों के लिए अगस्त में और नए लोगों के लिए सितंबर से शुरू होने चाहिए। यूजीसी ने कहा कि दिशा निर्देशों के अनुसार सुझाव 2020 से 21 सत्र के लिए बहुप्रतीक्षित प्रवेश 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आयोजित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय 6 दिनों के सप्ताह के पैटर्न का पालन कर सकते हैं और यात्रा को रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रो फॉर्म तैयार कर सकते हैं। लॉकडाउन अवधि के लिए कर्मचारियों और छात्रों का इतिहास रहे। यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार एमफिल पीएचडी छात्रों को 6 महीने का एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय आभासी कक्षाओं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा विकसित करते हैं और सभी शिक्षण कर्मचारियों को प्रौद्योगिक के उपयोग के साथ ही प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ई सामग्री ई लैब प्रयोग को तैयार करना चाहिए और उनकी वेबसाइटों पर अपलोड करना चाहिए और संकाय को प्राप्त स्वरूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आईसीटी और ऑनलाइन शिक्षण उपकरणों का उपयोग ताकि वे ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से पाठ्यक्रम में लगभग 25% को पूरा करें। परीक्षा से संबंधित मामलों के लिए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को अपनी स्वयं की कार्य योजना का चार्ट बनाने की अनुमति दी, लेकिन वर्तमान और पिछले सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन पर इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों का सुझाव दिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।